कोविड की चौथी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जिलों में नए केसेस और उनसे पीड़ितों की संख्या की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड 19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी और बेड की मारामारी आने वाले कई दशक तक लोग नहीं भूल सकते, लेकिन शायद अभी तक जिम्मेदारों ने इसको लेकर कोई सबक नहीं लिया है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते से अधिक समय से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारों ने कहा है कि हमने मेल कर दिया है और जल्द ही इसकी रिपेयरिंग होकर काम शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, ऑक्सीजन प्लांट 10 दिनों से लगभग खराब पड़ा हुआ है और जहां कोरोना की चौथी लहर भी आ चुकी है और डीएम एक तरफ वादे करते चले आ रहे हैं कि आज भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेडों की कोई कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती दिखती सामने नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कि बृजेश पाठक, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, लेकिन अब देखने की बात यह है कि हरदोई की जो चरमराई व्यवस्था अभी तक यहाँ पे सुधार नहीं हुआ है। वहीं जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात करने हुए जेएन त्रिपाठी से बात करी मैंने तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है कि जो कि इसे ठीक कराया जाए। उनका सिर्फ कहना है कि मेरे पास कोई फंड नहीं है। उनका यही ये भी कहना है कि इसकी जिम्मेदार प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ही अंडर में सब कुछ आता है, मेरे पास कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं इसे ठीक करा सकूं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, सीएमडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।